हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो तो इससे आपसे बन ही जाएंगे और आप पास हो सकें, इतने नंबर आपके आ सकते हैं। करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएससी के सभी सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट यूनिट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमानुसार प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है आपाती प्रकाश की तीव्रता पर। ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग होगा ई अपॉन सी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी एम माइनस एम जीरो इंटू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 अंश पर विकिरणित विकिरण का कंपोनेंट तरंग दैर्ध्य परिवर्तन होगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। परम ताप टी पर भी आवृत्ति वाले चिरसम्मत दौलित्र की औसत ऊर्जा होती है केटी। हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक आर क्या होता है? आर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन का होल स्क्वायर 2π² एम ई टू द पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर एच टू द पावर क्यू। प्लैंक नियतांक एच की विमाएं होती हैं ऊर्जा गुणित समय। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश का क्षेत्र होना चाहिए नीला या प्रावैग्नी। परम ताप टी पर न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है एच अपॉन रूट ऑफ 3mkt। वेग वी से गतिशील कण के साथ संबद्ध तरंग पैकेट का वेग होता है वी। सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देख लेते हैं। डी ब्रोगली संबंध है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2mk। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होगा? डेल एक्स डेल इक्वल टू एच। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत स्थूल वस्तुओं के लिए प्रेक्षणीय नहीं होता है। एक रेखीय सरल आवर्त दौलित्र की चिरसम्मत सीमाओं में पाए जाने की प्रायिकता होती है कितनी? 84% 84%। यदि SCL अणु के क्रमागत कंपनिक ऊर्जा स्तरों का अंतराल 0.36 eV है तो उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होगी? तो 0.18 eV। NMR में ऊर्जा अवशोषण होता है नाभिक द्वारा। NMR में नाभिक के चुंबकीय ऊर्जा स्तर के बीच संक्रमण के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अनंत गहराई के विभव कूप में कण की ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं विविक्त लेकिन समदूरस्थ नहीं। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देख लेते हैं। L इक्वल टू जीरो अवस्था होती है एकल। एक्स किरणों की वेधन क्षमता निर्भर नहीं करती है एक्स किरण नली में तंतु की धारा पर। अल्पवेधी तथा अतिवेधी एक्स किरणों में अंतर होता है आवृत्ति का। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है 1 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ यूनिट से क्वेश्चंस देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा अंतर का मान होता है लगभग 5 to 10 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम बोलते हैं। किसी अणु का इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम पाया जाता है दृश्य क्षेत्र में। यदि मूल रेखा की आवृत्ति न्यू है तथा रमन विस्थापन डेल न्यू है तो स्टॉक रेखा की आवृत्ति क्या होगी? न्यू माइनस डेल न्यू। रॉक सॉल्ट प्रिज्म स्पेक्ट्रोग्राफी का उपयोग किया जाता है अवरक्त क्षेत्र में। किसी द्विपारमाणविक अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं विविक्त लेकिन समदूरस्थ नहीं होते। मूल कण है हाइपरॉन, बोसॉन है मैसॉन, फोटोन तथा ग्रेविटॉन। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है 0। बैरियन नहीं है फोटोन। स्थायी कण है प्रोटॉन। फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट से क्वेश्चन से कुछ। नाभिक का लगभग व्यास 10^-13 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है बीटा क्षय में। सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रम से। नाभिकीय विखंडन की व्याख्या की जा सकती है नाभिक के द्रव बूंद मॉडल द्वारा। नाभिक का लगभग व्यास होता है 10^-13 cm। अल्फा कण की बंधन ऊर्जा
MeV में होती है 28.3। एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्सर्जित सभी बीटा कण की ऊर्जा होती है सतत लेकिन एक निश्चित उच्चतम मान तक। नेक्स्ट गाइगर मूलर गणक प्रयुक्त होता है रेडियो एक्टिव गणना में। उत्तरोत्तर अवधाव प्रवर्धन रोकने की विधि कहलाती है द्रुत शीतलन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार हीलियम नाभिक में होते हैं 4 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में हमने BSc फाइनल फिजिक्स फर्स्ट पेपर के सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।